इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों आज अगर सफल नहीं हुए इस दुनिया में, अगर इस जीवन में अगर आप अभी तक सफल नहीं हुए तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। अगर हम बात करें उन कारणों की तो बहुत सारे कारणों से एक कारण आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और इसी पर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों हमें हक नहीं है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं और उस पर हंसें, उसकी कमजोरियों पर हंसें या उसकी मजबूरियों पर हंसें। मुझे यकीन है कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप कहानी को पूरा सुनेंगे। दोस्तों एक बार की बात है कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है और उस गड्ढे पे शेर गिर जाता है। अच्छा, शेर उस गड्ढे के चारों तरफ इधर उधर घूम लेता है पर उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो वो इधर उधर जब देखता है तो उसको पेड़ पे बैठा हुआ एक बंदर दिखाई देता है। और जब वो उसको देखता है तो वो बंदर उस शेर की तरफ देख के जोर जोर के हंस रहा होता है। दोस्तों और हंस हंस के वो बंदर शेर को बोलता है, अरे राजा जी अब कैसी रही, आप तो बड़ा राजा बना फिरते थे, आज आप खुद ही एक पिंजरे में बंद हो गए, अब शिकारी आएंगे आपको मारेंगे और आपकी खाल को सजा कर दीवार पर लगाएंगे। तो वो शेर को देख देख के हंसता रहता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अब राजा जी तो सोपीस बनेंगे, राजा जी को सोपीस बनेंगे। तो दोस्तों कुछ देर बाद वो बंदर जिस डाल पर बैठा होता है वो डाल टूट जाती है और वो ठीक शेर के सामने जाके गिरता है उसी गड्ढे में। और जैसे ही वो उसके सामने खड़ा होता है शेर को देख के कहता है कि माँ कसम दादा आपको सॉरी बोलने के लिए यहाँ कूदा हूँ। तो दोस्तों भाग्य, संयोग, तकदीर, आपने ये नाम तो सुने ही होंगे ना। इस कहानी से भी मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि इनके वजूद हैं, अगर आप माने या ना माने। हमें किसी का हक नहीं कि हम किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उस पर हंसें। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सफल ना होने का कारण भी एक यही हो सकता है कि हम किसी की मजबूरी पर हंस रहे हों। दोस्तों हो सकता है कि ये जो आपने कर्म आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे ये आपकी सफलता की ओर आपको बढ़ाएं आगे और आप जितनी मेहनत अपने काम में कर रहे हैं वो आपको सक्सेस दिलाए। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं देवदन अग्रवाल एसर टेलीकॉम की तरफ से ऐसे ही कुछ ना कुछ आपके लिए खास मोटिवेशनल स्टोरी में आपके लिए लाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मोटिवेट कर सकूँ। और एक दिन ये मेरा विश्वास है कि मेरे दिल की बात आप तक जरूर पहुँच जाएगी। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम देवव्रत अग्रवाल है, आई होप आप मुझे जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप मेरा नाम गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप लिखिए देवव्रत अग्रवाल, स्पेलिंग आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, आप लिखिए गूगल में देवव्रत अग्रवाल, आप लिखिए प्ले स्टोर में, आप प्ले स्टोर में मुझे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे आपको मेरे नाम के जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मेरी आपको YouTube चैनल मिल जाएगा जो कि एक पहला है एसर टेलीकॉम, दूसरा आपको मिल जाएगा स्मार्ट डेवलपर जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, एसर टेलीकॉम में मैं डालता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो, तीसरा अगर आप मुझे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको एंड्रॉयड ऐप्स मिल जाएंगे और अगर आप गूगल में मुझे सर्च करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरे काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे और आपको मिल जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों अगर आपको मुझे करीब से जानना है तो मेरा नाम सर्च कीजिए। थैंक यू वेरी मच।